नमस्कार मित्रों, इस तांत्रिक जड़ी बूटी से पाइए जमीन में दबा हुआ धन देखने की शक्ति। देखिए, धन की चाह तो हर किसी को होती है और धन इकट्ठा करने के लिए, खासकर जमीन में दबा हुआ धन पाने के लिए लोग काफी मेहनत करते हैं। इसमें बहुत से लोग सफल भी होते हैं, बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है, मैं आप लोगों को सरल से सरल आसान सिर्फ प्रयोग बताता हूँ। करना नहीं करना ये आपके ऊपर में है, फायदा या नुकसान मिलता है ये आप स्वयं की जिम्मेदारी रख सकते हैं। बस मैं आप लोगों को प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से वह जानकारी व सरल उपाय बताता हूँ, जिस उपाय से आप जो धन इकट्ठा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तांत्रिक जड़ी बूटी से पाइए जमीन में दबा हुआ धन देखने की शक्ति। ऐसे कौन से तांत्रिक जड़ी बूटी हैं जिसे हम जो है प्रयोग करके जमीन में दबा हुआ धन को देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को 7 प्रयोग बताऊंगा। 7 प्रयोग में से जो प्रयोग आपको अच्छा लगे वह प्रयोग जरूर करना। इस प्रयोग से जमीन में दबा हुआ धन को देख सकते हैं। पहला प्रयोग है मित्रों, काले एरंड की जड़। काले एरंड जो होता है ये बहुत ही पवित्र जड़ माना जाता है और इसे माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, माँ काली का स्वरूप माना जाता है। काले एरंड की जो जड़ होता है, जिसे हम कास्टा ट्री भी बोल सकते हैं, ब्लैक कास्टा ट्री, तो जो काले एरंड की जड़ होता है, अगर इसे घिस करके इसी के तेल के साथ में लगाया जाए तो 7 पताल तक दबा हुआ धन को देख सकते हैं, ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। इसके साथ ही जो गुंजा होता है, जो सफेद कलर की गुंजा होता है, इसे रवि पुष्य नक्षत्र में ला करके मधुरस के साथ में इसे घिस करके नेत्रों पर अगर अंजन किया जाए, नेत्रों पर कहा जाए काजल की भांति लगाया जाए, तो इसे भी कौन से हिस्से में, कौन से जमीन में दबा हुआ धन, इसे अपने नग्न आंखों से बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसके लगाने के बाद दिव्य शक्तियां भी, जैसे कि भूत हैं, प्रेत हैं, देवी देवता हैं, ये भी दर्शन होने लगते हैं। इसके साथ ही नीम का जड़ है। नीम की जो जड़ होता है काफी कहा जाए कड़वा होता है, तो नीम की जड़ खा करके अगर जमीन में दबा हुआ धन के स्थान पर जाया जाए, तो जो नीम का जो तासीर है कड़वा है, इसे खाने के बाद जिस हिस्से में जमीन में दबा हुआ धन होता है उस हिस्से में मीठापन लगने लगता है। इसके साथ ही मदार की जड़। मदार की जड़ को मुख में धारण करने से और शिव बीज मंत्र का ध्यान करने से, या फिर कहा जाए एक लक्ष्मी स्तोत्र के मंत्र आते हैं उसका भी ध्यान करने से जमीन के अंदर दबा हुआ धन की आभास होने लगता है। इसके बाद मित्रों आता है शंख पुष्पी की जड़। शंख पुष्पी जो शंख पुष्पी पौधा होता है, बहुत ही पवित्र पौधा है मित्रों, तो शंख पुष्पी की जो जड़ होता है, इसका भी नेत्र पे अंजन करने से जमीन में दबा हुआ धन को अपनी नग्न आंखों से देखा जा सकता है। एक उपाय और बताना चाहूंगा, हल्दी से जमीन में गड़ा धन जहां पर, वहां पे हल्दी का छींटा मारने से, जो हल्दी का स्वाभाविक कलर होता है पीला, और जहां पे जमीन में दबा हुआ धन है तो जो हल्दी होता है पीला कलर का होता है, तो ये पीला कलर से चेंज होकर के हल्का से मेटमेला गेरू कलर का हो जाता है। तो ये 6 से 7 प्रयोग बताया हूँ, यह 6 से 7 प्रयोग में से जो प्रयोग अच्छा लगे वह प्रयोग को अपना करके आप भी अपने नग्न आंखों से या फिर इस तांत्रिक जड़ी बूटी के माध्यम से जमीन में दबा हुआ धन की प्राप्ति कर सकते हैं। जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।